पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार देर रात 67 साल की उम्र में एम्स में निधन हो गया। सुषमा स्वराज का पार्थिव शरीर आज 3 घंटे के लिए बीजेपी के मुख्यालय में रखा जाएगा, जहां पार्टी कार्यकर्ता और नेता उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकेंगे। उनका अंतिम संस्कार लोधी रोड स्थित शवदाह में दोपहर 3 बजे किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें रात करीब 9:30 बजे एम्स में भर्ती करवाया गया था, जहां उनका निधन हुआ। सुषमा स्वराज पिछले दिनों से काफी बीमार चल रही थी और उनका किडनी ट्रांसप्लांट भी हुआ था। बीमारी की वजह से ही उन्होंने 2019 में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। सुषमा स्वराज का जन्म हरियाणा के अम्बाला कैंट में 14 फरवरी 1953 को हुआ था। उनके पिता आरएसएस के प्रमुख सदस्य थे। अम्बाला छावनी के एसएसडी कॉलेज से बीए करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ से कानून की डिग्री ली। 1973 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जबकि उनका राजनीतिक करियर एबीवीपी के साथ शुरू हुआ था। सुषमा स्वराज 1973 में महज 25 साल की उम्र में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गई थी। अप्रैल 1990 में सांसद बनी और 1990-96 के दौरान राज्यसभा में रही। 1996 में वे 11वीं लोकसभा के लिए चुनी गईं, जिसके बाद अटल बिहारी की 13 दिन की सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री रहीं। 12वीं लोकसभा के लिए वे फिर से दक्षिण दिल्ली से चुनी गईं और उन्हें सूचना प्रसारण मंत्रालय के अलावा दूर संचार मंत्रालय का अतिरिक्त भार भी दिया गया। अक्टूबर 1998 में उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया और दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। बाद में जब विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई तो वे राष्ट्रीय राजनीति में लौट आई। वर्ष 2019-99 में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कर्नाटक के बेल्लारी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, लेकिन वे हार गईं। 2000 में वे फिर से राज्यसभा में पहुंची थी और फिर से उन्हें सूचना प्रसारण मंत्री बनाया गया। अप्रैल 2009 में सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनी गयी और राज्यसभा में प्रतिपक्ष की उपनेता रहीं। 2019 में ही विदिशा लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने लालकृष्ण आडवाणी के स्थान पर नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। साल 2014 में विदिशा से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया था। सुषमा स्वराज का विवाह 13 जुलाई 1975 को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील स्वराज कौशल से हुआ था। वे 3 साल तक मिजोरम के गवर्नर भी रहे हैं। उनकी एकमात्र संतान बांसुरी कौशल है, जो कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से स्नातक और इनर टेंपल से कानून में बैरिस्टर की डिग्री ले चुकी हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत करती हैं। न्यूज डेस्क।